प्यारा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था यहां। कलकत्ता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने घर में रात्रि के समय में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। सपने में भारत माता आती है कि बेटा तू न्यूए सुत्या रही है, ये अंग्रेज मना चूट चूट कर खा जाएंगे। नेताजी कहते हैं, री मां मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। भारत माता निर्देश देती है कि बेटा विदेशों में जा, अपने धनी भारतीयों को इकट्ठा कर, उनसे धन ले और एक फौज बना जिस फौज का नाम होगा आजाद हिंद फौज। सुबह सुबह नेताजी तैयारी करते हैं घर से चलने की। उसकी एक बावज थी, वो कह लगी के देवर कितने बार जागा के, हाँ देवर मैं आपसे कुछ मंगवाना चाहती हूं, ला दोगे के। बावज बोलिए क्या चाहिए आपको। न्यू बोली बहुत सी सी साड़ी ला दो, दुख दूर उम्र बरका हो। एक साड़ी की फरमाइश करी उसकी बावज ने। नेताजी कहते हैं कि बावज आंगलियों पर गिनना शुरू कर दे, ऐसी साड़ी लाऊंगा तने बांधना तो बहुत दूर की बात है, तने कदे जिंदगी में ऐसी साड़ी देखी भी नहीं होगी। एक साड़ी के ऊपर कविताई की गई है, कैसी साड़ी होगी, उस साड़ी के पल्लों के ऊपर क्या क्या छपा हुआ होगा, मेरे हिंदुस्तान का नक्शा छापा उस साड़ी पे, मेरे हिंदुस्तान के उन जियानों की तस्वीरें छापी कवि ने उस साड़ी में। क्या क्या कहते हैं वो नेताजी अपनी बावत से, कैसी साड़ी का जिक्र किया, क्या लिखा। हुआ होगा प्योर स्वदेशी होगा, और उसके पहले पन्ने पर
कैसे फोटो होंगे क्या बताया। उसने देख कर आंसू आऊंगे।
पंजो नाराम कोरोना लगाए हे बाबा जी, उसका फोटो जरूर होगा, नहीं तो तेरी साड़ी अधूरी रह जाएगी। क्या नाम बताया? क्या बताया? Let's